डिएक्शन हेल्दी बोन्स, जैसे कि नाम से जस्ट करता है, ये प्रोडक्ट है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग एक्शंस, यानी कि अगर हमें मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना है, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना है, और अगर हम चाहें कि जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्शंस जो हमारे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बोन्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी हड्डियों का मजबूत होना। एक हड्डी के बारे में हम जानते हैं कि बोन होती क्या है। ओके, बोन जो होती है एक सख्त टिश्यू है। जी हाँ, इट्स अ वेरी रिजिड बॉडी टिश्यू, एक सख्त टिश्यू है जिससे हमारी शरीर का फ्रेम या ढांचा तैयार होता है। जो हमारे शरीर का फ्रेम है वो पूरा का पूरा बोन से बनता है, और 99% ऑफ कैल्शियम और जो हमारा शरीर के अंदर है वो बोन्स और दांतों में, यानी कि बोन्स एंड टीथ के अंदर होता है। जब हम पैदा होते हैं तो करीब करीब 270 बोन्स होती है हमारे शरीर के अंदर। ओके, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा जो ग्रोथ होता है, तो कुछ बोन्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को फ्यूज कहा जाता है। वो फ्यूज होती रहती है और हमारे शरीर के अंदर, एक एडल्ट शरीर के अंदर जनरली 206 से 213 बोन्स रहती हैं। अगर अब बात करते हैं जनरल सिम्टम्स की, ऐसे लक्षणों की जिससे पता चले कि हमारे बोन्स के अंदर कुछ किसी किस्म की कमजोरी है या बीमारी है, तो वो क्या चीज़ें हैं। जी हाँ, वो जो सिम्टम्स है वो होती है हड्डियों में या बोन के अंदर पेन होना, फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूटना, फ्रॉम लो इम्पैक्ट यानी कि कहीं पर भी चलते हुए हाथ लग गया, पाँव लग गया तो वहाँ पर हड्डी में क्रैक आ जाना या फ्रैक्चर होना, इसका मतलब आपकी बोन्स जो है कमजोर है, ब्रिटल हो रही है, आपके अंदर एनर्जी लेवल्स कम है, स्प्रेन्स यानी कि मांसपेशी का फटना, मोच आना, आपके अंदर इन्फेक्शंस का बढ़ना, ज्वाइंट पेन्स यानी कि जोड़ों का दर्द, बैक पेन ऊपर से नीचे तक, जो हमारी पीठ है कमर का दर्द या ऊपर की पीठ का दर्द, कहीं पर भी दर्द हो जाता है जिसको हम बैक पेन बोलते हैं, या फिर पूरे शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होना, ये लक्षण होते हैं जनरल बोन डिजीज के। और कॉमन बोन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है, सबसे कॉमन डिसऑर्डर जो है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। यह एक कॉमन डिजीज है जो जनरली महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इससे फ्रैक्चर्स की और हड्डी टूटने की जो ये जो कहते हैं ना नेचर बढ़नी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसा नाम बताता है, इससे हमारी हड्डियों के अंदर झरझराहट आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी झड़नी शुरू हो जाती है, और इसके अंदर यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म छेद होने शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है उससे, समझे ना, उससे हमारी हड्डियाँ क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से फ्रैक्चर होना बहुत जल्दी फ्रैक्चर होते हैं, पेजेस डिजीज होते हैं। पेजेस डिजीज का बेसिक कारण होना है कि उसके अंदर जो है हमारे टिश्यू जो है, जो नए टिश्यू जो है वो पुराने टिश्यू जो होते हैं उनको नए टिश्यू बनने में रिप्लेसमेंट के अंदर बाधा पैदा करता है, उसको हम पेजेस डिजीज बोलते हैं। रोमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है, गाउट का मतलब जो हमारे जो जॉइंट्स जो होते हैं उसके अंदर यूरिक एसिड जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड जो एक्सेस यूरिक एसिड जो है वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसको हम गाउट कहते हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं हम एक और बीमारी की जिसका नाम है बर्सटाइस। बर्सिटाइस जो होता है ये इसका जो कारण होता है, इसमें जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है और चलने में दिक्कत होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमारी बोन्स वीक हैं, अगर हमारे अंदर बोन्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, अगर हमारा पोषण ठीक नहीं है तो इस तरह से हमारे बोन्स को इफेक्ट करता है और ऐसी बीमारी हमें जकड़ सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए होता है, हमें चाहिए गेटिंग एनफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन योर डाइट। जी हाँ, हम जो डाइट लेते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर हमें प्रॉपर मात्रा के अंदर कैल्शियम और विटामिन
डी लेना बहुत जरूरी है। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो बीमारी होती है उससे ये बचाता है। अब हम बात करते हैं हेल्दी बोन्स के लिए हमें क्या चाहिए। जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे, हमें चाहिए कैल्शियम, हमें चाहिए विटामिन डी, फिर से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए यानी कि व्यायाम, स्मोकिंग बंद करें या कम करें, अल्कोहल बंद करना है या कम करना है, इसको लेना ही नहीं, प्रोटीन लेना है जिससे तुम्हारी मांसपेशी भी मजबूत हो, और एक जो है वो एक प्रॉपर बॉडी वेट हमें मेंटेन करना है। जितना ज़्यादा हमारा शरीर का वजन होगा उतना ज़्यादा बोन्स के ऊपर आपका जो है बोझ पड़ेगा, और एक बार हमारी जो बोन्स होती है, हमारा जो BMI ठीक नहीं, बॉडी वेट ज़्यादा है, ऐसे लोगों को आप देखिएगा हमेशा आगे चल के घुटनों के अंदर दर्द और जोड़ों का दर्द जो है बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से एक बहुत अच्छा चीज़ है बचने के लिए जो है हेल्दी बोन्स। हेल्दी बोन्स जो है एक नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट है। दिस इज अ नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट जो हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर गुडुची है, इसके अंदर आमला है, इसके अंदर हड जोड़ है। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मिनरल जो है वो 99% जो है वो कैल्शियम है। बोन्स और टीथ के अंदर ये रहता है, ये प्रिवेंट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को नीचे गिरने से। जो अगर हमें कैल्शियम प्रॉपर तरीके से हमें खाने से नहीं मिल रहा है, जो कि हमें दूध दही डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है जो नहीं मिल रहा है, तो इस किस्म के जो सप्लीमेंट है वहाँ पर आपकी मदद करती है। एंड मे बी यूज टू सॉरी, जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से ये बचाता है आपको ये हेल्दी बोन्स। शुरू से ही आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, इस तरह के आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इस तरह की बीमारियों को आप बहुत हद तक रोक सकते हैं, या इस तरीके से आप इस तरीके की बीमारी को अपने से रोक सकते हैं और इसको दूर कर सकते हैं। आगे है एक गुडुची। गुडुची जो है एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो कि रोमेटाइट आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में आता है। साथ ही साथ इसके अंदर आंवला है, आंवला जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये हमारी कार्टिलेज में हमें बहुत मदद करता है। और एक और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है हड जोड़। हड जोड़ जो है ये इस्तेमाल होता है टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए आयुर्वेदा के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है इस एक एक ही छोटे से प्रोडक्ट के अंदर है, हेल्दी बोन्स के अंदर। यानी कि आपके हड्डियों को अगर आप ठीक से ख्याल रखना चाहते हैं तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है विच विल हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ योर बोन्स। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये इसमें एक बोतल के अंदर जो है 30 कैप्सूल्स आता है, और इसका DP जो है वो 250 है और MRP जो है 315 है। और इसके डोजेस की बात करें तो वो आपको एक कैप्सूल ट्वाइस अ डे लेना है। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं आपको कि 12 साल से ऊपर वालों के लिए रिकमेंडेड है, और प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि लैक्टेटिंग वुमेन जो है उनको किसी भी तरह की सप्लीमेंट लेने से पहले अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करनी जरूरी है। ऐसे लेडी इस प्रोडक्ट को डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज़ करें। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।